एवरीवन, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पर्सनालिटी एंड इमोशंस। देखिए ये जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। वैसे कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाई, बट फिर भी आज भी टाइमिंग के थोड़ा इशू है, ठीक है। सुबह जैसे कि डेली 10 बजे आती है आपकी क्लासेस, आज आपकी 12 बजे आ रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, सिलेबस ज़रूर होगा कंप्लीट। MCU 01 की हम यूनिट स्टार्ट की हुई है, बुक स्टार्ट की हुई है, 1 चैप्टर, 2nd चैप्टर एंड 3rd, देन 4th, देन 5th, देन 6th, देन 7th, देन आज हम पहुंच चुके हैं हमारे 8th चैप्टर पर जिसका नाम है पर्सनैलिटी। बात करते हैं पर्सनैलिटी क्या होती कि जैसे किसी को आप देखते हो तो आप क्या कहते हैं कि इसकी तरह पर्सनैलिटी देख कितनी अच्छी है। किसी को देखते होती है कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी पर्सनैलिटी देख कितनी बुरी लग रही है। तो सबकी पर्सनैलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, है ना। मीन्स की पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी एक इंसान है, दूसरा इंसान है, तीसरा इंसान है, सबके जो ट्रेट्स होते हैं, सबके जो गुण होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। एक दो ट्रेड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, परंतु मैक्सिमम क्या होता है कि सभी इंसान के जो गुण होते हैं, सभी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, सभी इंसान के जो एट्रीब्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी को कहेंगे कम पर्सनैलिटी। मीन्स कि जब एक इंसान अपने आप को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में कैपेबल है, दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, उसे हम परिभाषा देंगे पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी केवल एक शब्द नहीं है, ये काफ़ी सारे चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एटीट्यूड हो गया, इमोशन हो गया, एथिक्स हो गए हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी हो गया, ये काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स है, बिलीफ हो गया, वैल्यू हो गया, ये जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो पर्सनैलिटी भी बहुत कॉम्प्लेक्स कहूँगी मैं, ठीक है, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु फिर भी काफ़ी सारी थ्योरीज आई है जो कि आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको समझ लेना चाहिए कि पर्सनैलिटी होता क्या है, ठीक है। पर्सनैलिटी काफ़ी सारे सेट से बनी है, कॉम्प्लेक्स सेट है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर एटीट्यूड भी इंक्लूड है, बिलीफ भी इंक्लूड है, वैल्यू भी इंक्लूड है, ठीक है, अपना इमोशंस भी इंक्लूड है, अपनी एथिक्स भी इंक्लूड होती है। वो अपने जब बिहेवियर में नज़र आते हैं ना, ठीक है, उसे हम पर्सनैलिटी कहेंगे। और ये जो पर्सनैलिटी होती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन से हमेशा डिफ्रेंशिएट होती है, तभी उसे हम कहेंगे कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति की जो फीचर्स है दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, तो ये कहेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी ये है, इसकी पर्सनैलिटी है। अब इनको यहाँ पर देखो, पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, सभी बच्चे, सभी जो इंसान हैं, ठीक है, इवन एक ही एज ग्रुप में मिलेंगे, कुछ अलग ग्रुप के हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं यहाँ पर और बुजुर्ग भी हैं। तो सबके अंदर जो सोचने की विचारधारा है, सबकी जो सोचने की मैं कहूँ कि या फिर दिखने का है, ठीक है, एक्सटर्नल विद इंटरनल दोनों फैक्टर से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो पर्सनैलिटी होती है आपके एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों फैक्टर से मिलकर क्या बनती है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। कुछ इंटरनल का मतलब क्या है, जो आपके पेरेंट्स से आई है, ठीक है, हेरिटेड है, ठीक है। एक्सटर्नल जो कि आपका इन्वायरमेंट आपकी इस बिहेवियर को शेप देता है, ठीक है, कि आपका स्वभाव ऐसा हो गया, आप कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मीन्स कि दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। देखो क्या कहता है, पर्सनैलिटी मीन्स इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द वेरियस फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स सेट है, जैसे कि रिस्क टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दो इंसान हैं, दो इंसान ने क्या, दोनों ने क्या लिया, अपनी अपनी गाड़ी ली, ठीक है। एक तो क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने इंजॉयमेंट के लिए वो इतनी स्पीड से चला रहा है कि इवन ऑब्वियस ही बात है, जब अब हम क्या करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस जाते रहते हैं। तो ये इस चांस को लेने के लिए बिल्कुल रेडी, इसे ये कहेंगे रिस्क टेकिंग है। ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा एथिक्स पे काम करते हैं, गवर्नमेंट ने भी इशू किया हुआ है, जब भी आप कोई व्हीकल चलाते हैं तो सीट बेल्ट हेलमेट डाल के चलाना चाहिए और अपने एक पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाना चाहिए। ये अपने एथिक्स के ऊपर बेस है, ये अपने रिस्क टेकिंग के ऊपर बेस है, ठीक है। तो सबकी देखो, दोनों की पर्सनैलिटी दोनों की डिफरेंट हो गई है, ये इनको ट्रेट्स कहेंगे, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि कुछ एक इंसान ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ एक बच्चे, मोस्ट ऑफ मैंने अपनी क्लास में देखे, अगर 50 बच्चे बैठे ना उसमें, तो केवल 3 बच्चे ही ऐसे होंगे जो क्या करके लेके आते हैं, मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि अब पीछे रक्षाबंधन के ऊपर सेलिब्रेशन हुआ था, 15 अगस्त पे सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, अब जन्माष्टमी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब कि जिन जो हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो अपने काम को पहले ही कर देते हैं कहने से पहले, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसीज का मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी सारे बच्चे देखे होंगे एग्जामिनेशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर,
जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो केवल यूपीएससी की ही करते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि एचएससी सीजीएल की कहते हैं कि कोचिंग ले लीजिए, आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम उसके अंदर कवर हो जाएंगे, तो सबके ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। तो इसे कहेंगे कि ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है, और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव को लेके चलेगा तो ऑब्वियसली बात है कम फोकस बनेगा, ठीक है, मैं कह सकती हूँ लेस लोकस ऑफ कंट्रोल, ये आगे टर्म आएगी, इसके बेसिस पे बच्चों को भी कैटेगराइज किया गया है, इसकी पर्सनैलिटी को डिवाइज किया गया है। बट यहाँ पर क्या है, आपकी मोर लोकस ऑफ कंट्रोल होगी, यहाँ पे लेस लोक मतलब कि आपको उसके ऊपर कितना फोकस कर पा रहे हैं। ओपननेस का मतलब क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्रिएटिविटी वे से कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो उसे भी कहेंगे। देखो किसी को ये नहीं आइडिया आता कि हाँ इसका क्या बनेगा। अब मेरे पास मोस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल होते हैं, पेन मेरे पास पता है आपको, मैं दिखाती हूँ कितने मेरे पास रखे, आप दे आपको से पूछूंगी कि मैं आप उसका क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों को पूछती हूँ मेरे को इन पेन्स का क्या करना चाहिए, आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे खाली पेन हैं, पता है इसमें कम से कम 200-300 पेन होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे खाली पेन हैं। और अभी ये फिलहाल ये वाले मतलब रेड पेन रहते हैं मेरे, बाकी ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन सभी फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। मैं इनका से बच्चों को पूछती हूँ कि इन पेन्स का मुझे क्या करना चाहिए, मीन्स कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से आप कुछ क्रिएटिविटी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसे बोलेंगे ओपननेस, ठीक है। एंड टाइमलाइंस का मतलब क्या है, विद इन अ टाइम आप अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के साथ लिंक बना के चलते हैं। एग्रीएबल का मतलब क्या है कि आप दूसरों को साथ लेके चल रहे हैं। एंड न्यूरोटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी इमोशंस, आप अपने स्ट्रेस, आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कितना कंट्रोल कर पाते हैं या फिर आप उसको ऊपर थोप देते हैं। ये सभी चीज़ें ना मैं आपको बताती हूँ, ये सभी चीज़ें आपके नीचे ये एक्सटर्नल पॉइंट में आएंगे। देखो नज़र आ रहे हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ये आगे आएंगे, तो डोंट वरी अगर किसी को नहीं भी समझ में आया, थोड़े थोड़े मतलब में समझाया मैंने भी, ठीक है, इट्स ओके। बट हाँ वेट करना इस चीज़ के लिए, मैं आपको आगे ज़रूर समझाऊंगी, सारे के सारे पॉइंट यहीं पे, रिस्क टेकिंग हो गया, ठीक है, सेल्फ है, सेल्फ स्टीम है, ठीक है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये सारी ऊपर ही आएंगे, ठीक है, नीचे सॉरी। सो चलो अब पर्सनैलिटी मतलब समझ में आ गई, मतलब इन सब की इन सब के कॉम्बिनेशन से पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी एकदम से डेवलप कभी नहीं होती, ठीक है, नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली, इट इज़ डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, काफ़ी लंबा टाइम लगता है पर्सनैलिटी बनने में। वैसे ये जो पर्सनैलिटी का जो शब्द है परसोना से आया है, परसोना का मतलब पता है क्या होता है, टू स्पीक थ्रू, मीन्स कि जब हम किसी दूसरे से बातचीत करेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ नेक्स्ट पर्सन कैसा सोच रहा है, नेक्स्ट पर्सन का इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के प्रति। मैं कह रही हूँ कि अब मैंने कहा कि मेरे पास इतने सारे पेन हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे कि मैम इतने पेन का करते क्या हो, ये तो क्या पता वेस्टेज के हो, नहीं, इस इन पेन्स का हमने यूज़ किया, हमने जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को भी यूज़ हो जाते हैं, मेरे को तो होते ही हैं, ठीक है। इवन कहने का मतलब जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना, कुछ ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि ओ माय गॉड मैम ये तो बहुत ज़्यादा पेन है, किसी को लगता है कि मैम ये तो बहुत कम है, क्योंकि स्कूलिंग लाइफ में इससे भी ज़्यादा हमने पेन यूज़ किए हुए हैं। सो कहने का मतलब जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके साथ हुए पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके इन्वायरमेंट के थ्रू, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा सा हमें क्या नज़र आता है, बिहेवियर नज़र आता है उसका, क्या वो सोचता है, क्या वो विचारता है, उसको की कैसी थिंकिंग है, क्या वो इन चीज़ों से कुछ नया क्रिएट कर पा रहा है, क्या वो सोसाइटी के साथ अच्छा लिंक बना पा रहा है। मीन्स कि वो तभी पलेगा, आपको पता है कई बार ऐसा होगा, कभी बार आपने देखा भी होगा कि कुछ बंदे क्या होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, मीन्स कि बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करती है ना, अपनी बातें शेयर करना, दूसरों की बातें लेना, दूसरों के साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनको, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। तो कहने का मतलब जब तक हम दूसरों से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरों से वार्तालाप नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट पर्सन की पर्सनैलिटी है क्या। तो पर्सनैलिटी बोला गया है कंबाइन फैक्टर है किसका, साइकोलॉजिकल दैट मीन्स हमारी मेंटल एबिलिटी का, और साथ ही साथ फिजिकल एस्पेक्ट मीन्स कि आप दिखने में कैसे हो, आपकी हाइट, आपका कलर, आपके वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है। साइकोलॉजिकल अंदर क्या जाता है कि आप कैसा सोचते हो, कैसा विचारते हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के प्रति, विद द हेल्प ऑफ विच वन कम टू हैव द स्पेशल एडजस्टमेंट विद द सर्कमस्टांसिस, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनैलिटी दैट अ पर्सन अपीयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाकियों से आपको अलग कर सकते हैं।
पर्सनैलिटी डज नॉट मीन्स दैट इज सम पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द पर्सन. इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एक क्वालिटी है, नहीं. ये पता है इतने सारे ऑथर्स हैं, इतनी सारी पर्सनैलिटी दी हुई, किसी ने 100, किसी ने 16 पर्सनैलिटी भी दी हुई है, किसी ने 101 भी दी हुई है, मतलब काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज दी हुई हैं, की थ्योरीज दी हुई हैं. तो बट वही बोला गया है कि जो क्वालिटी है ना पर्सन की, वो कोई एक दो नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है. ऑन द कंट्रेरी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड द, तो ये मेन मोटी मोटी बात ये है कि ये दो फैक्टर्स पे है. एक तो आपकी मेंटली आप कैसा सोचते हैं, एक आपका दिखते कैसा हो, ठीक है. और ये मेंटली और मेन आपके आपके सिलेबस में और आपके एग्जाम के अंदर ये वाली इंपॉर्टेंस है, ठीक है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे एक घर बनाते हैं तो घर पूरा तभी अच्छा लगता है जब, या फिर हम अच्छा बताते हैं कि हाँ भाई फलाने का घर तो ना इतना ज़बरदस्त बना हुआ, अरे सेक्टर 11 में देखियो इतना अच्छा घर बना हुआ है, उसके अंदर तो ये चीज़ें लगी. क्या वो अलग अलग चीज़ें कॉम्बिनेशन से बनकर ही तो अच्छी दिख रही है ना. अगर सामान ऐसे इत्र बितर बिखरा हो तो क्या आपको ये लगेगा कि हाँ ये अच्छी है. इसी तरह से इंसान की पर्सनैलिटी भी क्या होती है, काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम टोटल ऑफ द इनिशिएट एंड देर इज एक्वायर द डिस्पोजिशन, मीन्स कि आप कुछ एक ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो आपकी जन्म से होती है, कुछ एक आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं, प्राकृतिक से लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इसके करेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे कि अगर आपको मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर है कि ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल क्वालिटी से, और ये आपको दूसरों से डिफरेंस दिखाता है, यूनिक इन द सेंस मीन्स कि आपको दूसरों से डिफरेंस दिखाता है. मैनर ऑफ द एडजस्टमेंट, अब ये भी देखा जाता है पर्सनैलिटी के अंदर कि आप, अब ये भी तो पर्सनैलिटी होती है कि कोई इंसान दूसरों के साथ बैठता है उठता है तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, है? कोई ऐसा होता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही हैं, मैं तो सुबह डेली चाय पीता हूँ और अगर मुझे कल नहीं मिली, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बहुत गलत हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा. नहीं, अगर ये देखना चाहिए ना कि आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप दूसरों के साथ एडजस्ट हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो, ये हमेशा क्वालिटेटिव में होता है, क्वांटिटेटिव में नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट और काफ़ी सारे एस्पेक्ट है जिसको हम नंबर के अंदर मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ये जो कहीं ना कहीं इसका डीमेरिट भी बन सकता है. पर्सनैलिटी क्या होती है, डायनामिक होती है. डायनामिक क्यों कहा, क्योंकि मैंने आप बताया, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आप फिलहाल क्या है, एमकॉम के अंदर है, या कुछ बच्चे बीकॉम के अंदर भी होंगे क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बार आता है, ठीक है. अब आप बीकॉम एमकॉम क्लियर कर जाएंगे तो आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, जॉब लगेगी, शादी भी होगी, सब कुछ होंगे, है ना. तो जैसे ही कोई आपकी लाइफ टाइम के अंदर कोई चेंज आता है, आपकी जॉब लगे, तो आपका मोस्ट ऑफ बिहेवियर में चेंज आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में, मैंने कहा कि आपकी चंडीगढ़ सारी जॉब लगी तो आपके बोलने के तरीके में, आपके पहनावे में सब कुछ फर्क नजर आएगा. आप अगर दिल्ली साइड जा रहे हैं तो दिल्ली साइड वालों का पहनावा आ जाएगा, ठीक है. अगर मैंने कहा कि आप महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो आपके बिहेवियर में चीज़ नजर आएगी. तो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से आपके बिहेवियर में पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आता है. पर्सनैलिटी क्या है, एक सिस्टम है. सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि कॉग्नेटिव जहाँ पे आ जाता है, साइकोलॉजिकल जहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे सिस्टम आएगा. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था एटीट्यूड, ठीक है, परसेप्शन, वहाँ पे भी ये क्या है, सिस्टम था वो भी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, देन आउटपुट नजर आता है. हम पर्सनैलिटी में कैसे है, अब आपने किसी को देखा कि जैसे कि वॉच डालने का, ठीक है, कोई पर्सन वॉच डाल रहा है, वो लगातार कोई बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहे कि वॉच कितनी अच्छी लग रही है, उसने काफ़ी सारी वॉच देखी, पर उसको कैसी पसंद आई, वो चेन वाली वॉच आती है ना, उसको वो पसंद है. उसने पहले इन्फॉर्मेशन ली, देन उसको प्रोसेस करना शुरू किया, देन उसने अपने बिहेवियर में अपने आप इंप्लीमेंट कर दिया, तो आउटपुट आ जाएगा. पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस द गोल अचीवमेंट्स एंड द परफॉर्मेंस. पर्सनैलिटी क्या इन्फ्लुएंस करती है, आप देखो आपके इन्वायरमेंट में सारा मोटिवेटेड इन्वायरमेंट है. आप कोई भी मूवी देखते हो, दंगल मूवी देखते हो, मैरी कॉम मूवी देखते हो, ठीक है, कोई भी आर्म फोर्स की मूवी देखते हो, द केस स्टडी देखते हो, तो उनसे हमें क्या नज़र आता है, उनसे हमें एक एनर्जी मिलती है. वो जैसे कि जैसा गेम्स में क्या होता है, एक मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस होती है, डेडिकेशन होती है, उनसे आपको भी, अगर आपका कोई गोल है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो एक कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि मेहनत करने से ही क्या होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी. तो पर्सनैलिटी में आएगा, पर्सनैलिटी में आपको नज़र कैसे आएगा कि आप फिर खुश होना शुरू देंगे कि हाँ, डेली एक मोटिव मिलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ. जैसे मुझे डेली एक प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस सेशन लगाना होगा, तो आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी. अगर आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है वो ग्रो करेगी, ठीक है. अगर आपको पीछे धकेल रही तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को लो करेगी, ठीक है. अच्छा, डिटरमिनेंट्स क्या है पर्सनैलिटी, अब मैं आपको बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स की, बनते कैसे कैसे.
अब देखो मैंने आपको दो टॉपिक्स करवा दिए हैं,